मुरादाबाद महानगर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अंतर्गत जिगर कॉलोनी ए ब्लॉक में रहने वाले रघुराज सिंघल के घर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर की छत पर रखे एसी के आउटडोर के तांबे के पाइप को काटकर चोर फरार हो गए। चोरी की इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रविवार की सुबह लगभग 11:30 बजे हुई इस घटना से क्षेत्र में रहने वाले लोग काफ़ी चिंतित हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि चोरी तो बहुत छोटी है, मगर ये घटना सभी को चौंका देने वाली है, क्योंकि दिन दहाड़े चोर छत पर चढ़ जाते हैं और पाइप काट कर ले जाते हैं। ऐसे में जब दिन में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो रात में कैसे हम सुरक्षित हैं। वहीं पीड़ित रघुराज सिंघल ने चोरी की घटना की जानकारी जिगर कॉलोनी पुलिस चौकी को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पीड़ित रघुराज सिंघल ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की सुबह लगभग 11:30 बजे देखा कि छत पर कुछ चहल पहल हो रही है। जैसे ही उन्होंने छत पर जाकर देखा तो एसी के आउटडोर तांबे के पाइप को काटकर चोर फरार हो गए थे। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। मेरे एसी के पाइप काट रहे थे, तब मैंने देखा कि मेरे पाइप हिल रहे हैं। मैंने जैसे ही आगे जीने पर देखा तो एक लड़का जो है इसकी छाप पे चढ़ो पता, बाकी ऊपर कितने लोग थे ये नहीं पता। जब तक हम ऊपर आए जब तक वो जो है भाग चुके थे। कितने बजे की घटना है? अभी बस 15-20 मिनट पहले की। 11:30 बजे की समझ लो ना। क्या नाम है सर आपका पूरा? रघुराज सिंघल। ठीक।